से में क्या मतलब है? टेंट फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है हमारे यहाँ पे तीसरी सुबह और आज हम थोड़ा जल्दी उठ गए हैं। देखिए अभी तक धूप भी नहीं आई है इतनी, और मेरा देखिए आज खाली पड़ा है बिल्कुल, और कंबल तैयार करके यहाँ लाते रहे या अंदर रख रहा। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से, विदाई ले रहे हैं और फिर अगले साल आएंगे। अभी दिखाते हैं आपको, पैकिंग वगैरह करेंगे सब। और मेला भी देखिए कैसा खाली है आज, कोई भीड़ नहीं, कोई पब्लिक नहीं आ रही, कुछ नहीं। आज मेला समापन हो चुका है और क्योंकि आज जो है ग्रहण है आज रात को, तो इस वजह से मंदिर भी आज बंद हो जाएंगे 3 बजे। तो देखते हैं, अभी दिखाते हैं किस तरह से समापन होगा। वैसे समापन पे तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें जल्दी जाना है। फिलहाल अब कैंप में जल्दी से पैकिंग शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से रेडी हो गए और चाय भी आ गई है। बिशु भाई तो परोठे भी खा रहे हैं, हम परोठे अभी आगे खाएंगे क्योंकि अभी जिला पंचायत चलेंगे। इस साल का हम आखिरी नाश्ता कर रहे हैं और देखिए परोठे और चाय आ रही है, क्योंकि यहाँ का नाश्ता जो है वो अगले साल ही मिलेगा। ये है परोठा, आपने तो देखा नहीं होगा, लास्ट देख लीजिए। ये होता है परोठा और ये होता है अचार। ये देखिए मैंगो पिकल और ये है चाय। ये मैंगो पिकल है, ये मैंगो पिकल है, ये मैंगो चटनी है, ये देखिए बस बस, ये मैंगो स्वीट एंड स्पाइसी चटनी है। चटनी कहते हैं स्वीट एंड स्पाइसी है थोड़ी। तो नाश्ता करके फिर कैंप की पैकिंग शुरू करवाते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से गाड़ी में जो है सामान दोबारा से लोड हो गया है और अंदर भी सब खाली है, बाहर भी सब खाली कर दिया, सब दरिया दुरिया सब पैक हो गई है। और अंदर भी आपको तंबू का हाल दिखाता हूँ, जो हमारी रसोई थी उसका भी सब सामान हटा के सब पैक कर लिया हमने। ये देखिए सब खाली हो गया है। ये नीचे तिरपाल बिछी हुई थी नीचे, वो भी हटा दी है फिर दरिया सीन की। और देखिए हमारी रसोई भी हट गई है। अब ये जो सामान रह गया इसे भी पैक करेंगे, अब सब हट जाएगा यहाँ से। कैंप कैसा रहा भैया? बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम। अभी अभी हम दर्शन करके आए हैं और भवन बिल्कुल एकदम खाली था। लगभग 5 मिनट हम लाइन में लगे और 5 मिनट में हमें दर्शन हो गए। तो जैसे कि अभी कैंप से जा रहे हैं तो मन थोड़ा भारी सा है, बस मन ये है कि जल्दी पहुंच जाए, फिर अगली बार जल्दी बुलाए। 4 दिन का कम से कम कैंप रहे, अगली बार इस बार 3 दिन का ही था। और सभी भाई लोग हम खा रहे हैं। हाँ जी भैया, आप तो जैसे, चलो ये तो इनको तो छोड़ दो, इन तो किसी और होश में है। आप बताइए, मन लगा कैंप में? धमकियां मिल गई तुम्हें तो डरे तो नहीं तुम धमकियों से? चलो, जो धमकियों से डर गए और जाने की तैयारी करने लगे वो यहाँ। और कुछ तो चले भी गए, रात ही निकल गए वो, है ना। एक नाम शुभ सिंगल है जो तुम्हारे, ये टाइम से जाते हुए ना मन थोड़ा सा भारी हो रहा है क्योंकि यार एक साल बाद मिलते हैं ये टाइम दोस्तों के साथ। तो अब जो है रास्ता साफ हो गया है, अपना केवल और केवल हमारी एक तिरपाल रह गई है जिसे तय करना है क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी है वो सूख जाए, तो इसे तय करके और गाड़ी में रख के फिर हम निकलेंगे सहारनपुर के लिए, अपने शहर के लिए। विपुल भाई जो है गाड़ी का शीशा साफ कर रहे हैं, देखिए गाड़ी साफ कर रहे हैं और हमने गाड़ी स्टार्ट भी कर ली है, अब चलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। रवि आखिरी वीडियोज बना रहे हैं और ये हमारा कैंप जो है खाली हो गया है और अब अगले साल आएंगे माँ ने चाहा तो बहुत जल्दी, और फिर हम कैंप लगाएंगे। माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें अगले साल भी इसी तरह बुलाए और हमारा कैंप अच्छे से चले। तो ये ड्राइवर जल्दी सब मुझे बुला रहे हैं, तो चलते हैं। और गाइस सब चल रहे हैं। जय माता दी, शाकुंभरी मैया की जय, भूरे देव की जय।
बाय बाय। दोस्त को तो हमने उसकी फैक्ट्री पे उतार दिया था, और ये जो है रेलवे स्टेशन, हमारे दोस्त जो हैं अभी हाथों हाथ अपने वहाँ अपने गाजियाबाद से आए थे, तो वहीं के लिए निकल रहे हैं। तो लोग हम यहीं एंड करते हैं, और हमारी सहारनपुर की सीरीज भी यहीं एंड होती है। अगले साल देखेंगे सीरीज को बढ़िया तरीके से और बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, और अगले साल तक के लिए नहीं, अभी तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, तब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।